बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंथ की फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी और MCQs की भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हर चीज़ प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए ज़रा आ जाएँ चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 का आपने न्यूमेरिकल करना है जी 10.3 न्यूमेरिकल, 10.3, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और 10.10 ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने लाजमी करना है। 11 चैप्टर में से अगर हम देखें तो आपने न्यूमेरिकल यहाँ पे करना है 11.1 और 11.9, ठीक। चैप्टर नंबर 12 पे अगर हम आ जाएं तो चैप्टर 12 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से आपने जी जो न्यूमेरिकल करना है वो एक तो आपने करना है 12.3 और उसके बाद 12.10 और 12.12, तीसरा 10वां और 12वां, तीसरे 10वें को मत छोड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उसके बाद स्टूडेंट्स 13 चैप्टर में से जो हमारा है न्यूमेरिकल वो हमने करना है 13.6 और कम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल का भी मत छोड़िएगा। ये कम्बिनेशन से क्या मुराद है, सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो न्यूमेरिकल पढ़े हैं लास्ट, 9 और 10, 13.9 13.10, ये लाजमी करने हैं। तो चैप्टर 14 पे अगर हम आएँ तो चैप्टर 14 में आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। चैप्टर 14 में आपका जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे वो है जी 14.4, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आप लोगों का इलेक्ट्रिक बल्ब वाला, यहीं पे है, हाँ 14.7 ये न्यूमेरिकल। और रेजिस्टर के कम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल ये कभी मत आप छोड़ें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी 14.5 और 14.6 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वैसे नहीं है, 16 के चैप्टर के न्यूमेरिकल भी नहीं है, 17 वैसे आईटी वाला चैप्टर, इंफॉर्मेशन वाला कंप्यूटर वाला चैप्टर है, उसमें वैसे न्यूमेरिकल नहीं है। रह गई बात 18 की, तो आ जाएं 18 चैप्टर पे। 18 चैप्टर में से कौन सा न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है, हाफ लाइफ वाला चैप्टर है ये, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा लगने वाला क्वेश्चन है वो है 18.4 टेक्नीशियम 99, ठीक है। और इसका टेक्नीशियम 99 का यूज़ भी आ सकता है न्यूमेरिकल के अंदर से, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट्स MCQs आ जाते हैं आपके। टेक्नीशियम 99 जो है ये यूज़ होता है फॉर द डायग्नोज ब्रेन थायराइड लिवर एंड किडनी डिजीज़ के लिए, ठीक। तो 18.4 आप लोगों ने करना है और उसके बाद आप लोगों ने करना है जी यहाँ पे हाफ लाइफ के ये एशेज वाला लास्ट न्यूमेरिकल 18.9, इसको मत छोड़िएगा। एक कार्बन का यहाँ पे न्यूमेरिकल पड़ा 18.3 18.4 एंड 18.9। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको बताने थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आप लोगों के न्यूमेरिकल लगेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो रहा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।